NS3 बनाने के लिए सबसे पहले तो ये ब्लॉक डायग्राम है NS3 का, इसमें क्या हम लेते हैं, NS3 में N2 और O2 लगता है, N2 हम एयर से ले लेते हैं और H2 को हम नेचुरल गैस से निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र की भी मात्रा कुछ होती है, उसको हम कम करते हैं, क्योंकि सल्फ़र जो होता है आगे यूज होने वाले कैटलिस्ट को प्रभाव को निष्क्रिय करने का प्रयत्न करता है, मतलब निष्क्रिय कर ही देता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम नेचुरल गैस को गर्म करते हैं 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, गर्म करके हम सल्फराइजेशन में डालते हैं, जहाँ पर हम सल्फ़र की मात्रा इतना 0.05 ppm कम करते हैं। उसके बाद प्राइमरी रिफार्मिंग में डालते हैं, प्राइमरी रिफार्मिंग में हम डालने से पहले इसको पहले हीट करते हैं 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। प्राइमरी रिफार्मिंग में क्या होता है, सिंपल एक कॉलम बना रहेगा जिसके अंदर ट्यूब पड़ी होंगी, ये ट्यूब बनी होती है निकिल और क्रोमियम की, ये मिश्र धातु की बनी होती है, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकती है। इसमें जो होता है एक रिएक्शन होता है, इसमें हम अलग से स्टीम भी डालते हैं, क्योंकि इसमें इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इंडोथर्मिक में हीट जो है एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होगा तभी ये तुम्हारा रिएक्शन होगा। इसमें जो रिएक्शन होता है सी एच फोर एच टू ओ से रिएक्ट करके सी ओ प्लस थ्री एच टू बनाता है, तो इसको बनने के लिए हमको उतनी हीट चाहिए होती है, तो स्टीम से जो है ये हीट लिया जाता है, और स्टीम से ये हीट लेके लगभग 780 से 830 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपना हीट पहुंचा लेता है, जो इसमें से प्रोडक्ट निकलता है। इसमें जो CO होता है, CO बनता है CH4 से, अब जो CO होता है ये फिर से H2O से रिएक्ट करके CO2 और H2 बना लेता है। अब इसमें क्या होता है, ये निकिल का, ये निकिल क्रोमियम का तो एलॉय स्टील का बना होते हैं, इसमें हम ट्यूब की तरह होता है, इसमें हम निकिल कैटलिस्ट को इसमें डाल देते हैं, जब इसमें से एक गुजरता है तो रिएक्शन होके ये सब हमको प्राप्त होता है। ये पूरा रिएक्शन होता है तो इसमें जो होता है, ये जो नेचुरल गैस होता है सल्फर रहित, तो इसमें जो होता है सल्फर रहित जो नेचुरल गैस होता है उसका केवल 30 से 40% जो तुम्हारा नेचुरल गैस होता है एक कन्वर्जन इसका होता है, मतलब कन्वर्जन का मतलब जो सी एच फोर और सी ओ हैं, या सी एच फोर जो है सी ओ और थ्री एच टू में केवल 30 से 40% कन्वर्ट होता है, या सी ओ जो है सी ओ टू में 30 से 40% कन्वर्ट होता है, फिर इसको हम भेजते हैं सेकेंडरी रिफार्मर में, तो वहाँ पे अब पता है हमको प्राइमरी रिफार्मिंग से जो मिला है हमको उसमें 780 से 830 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, मीडियम साइज देखे तो मध्यमान देखा जाए तो इसका होगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग रहता है, इससे जो स्टीम या गैसेस जो भी निकलती हैं। अब इसको हम भेजते हैं सेकेंडरी रिफार्मर में, सेकेंडरी रिफार्मर में क्या होता है, इसमें भी निकिल का कैटलिस्ट होता है और इसमें भी यही प्रोसेस होता है सेम, लेकिन इसका टेम्परेचर इतना होता है और ये 99% इसका कन्वर्जन होता है, रिफार्म्ड हो जाता है जो होता है सी एच फोर लाइक नेचुरल गैस जो होता है रिफार्म हो जाता है बाकी अन्य गैसों में। इसमें जो प्राप्त होता है हमको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो भी गैसें मिलती हैं इसमें 0.2 से 0.5% CH4 होता है। अगर तुम्हारा गैस पूरा रूप से ड्राई है, अगर ड्राई गैस निकलता है सेकेंडरी फार्मर में से, तो ड्राई गैस का जो होगा कंपोजिशन 0.2 से 0.5% CH4 होता है, अब 12 से 15% CO होता है, 12 से 15% लगभग CO होता है अगर ड्राई बेसिस पे गैस है तो। अब इसके बाद क्या है, सेकेंडरी फार्मर से जो गैसेस निकलती हैं उनको हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकलता है, हम उसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करते हैं, और ये जो तुम्हारा होता है HTS हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर रिएक्टर में जो होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वर्क करता है। इसमें क्या होता है, कैटलिस्ट का जो यूज होता है वो होता है Fe2O3 और Cr2O7। इसमें इस कैटलिस्ट का यूज करके हम CO की जो मात्रा होती है लगभग 3% तक कर देते हैं, 12 से 15% पहले रहता है सेकेंडरी फार्मर में से, अब इसमें से जो निकलता है 3% तक हो जाता है। इसके बाद हम भेजते हैं लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर रिएक्टर में, इसमें यूज करते हैं कैटलिस्ट CuO
या ZnO, इसमें जो वर्क करता है, इसमें कूल करते हैं पहले, इसमें जो निकलता है उसको कूल करते हैं हम 200 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको लाते हैं, इस पर वर्क कराते हैं। इसमें जो होता है 0.2 से 0.4% बंद करो, इसमें जो कि 0.2 से 0.4% जो है CH4 की मात्रा रह जाती है कम होके, यहाँ था तुम्हारा 90% कन्वर्ट, 99% कन्वर्जन होता, यहाँ था 0.2 से 0.5% CH4 गैस। अरे यार खराब, इसमें जो है 0.2 से 0.4% CH4 रह जाता और CO की मात्रा लगभग 3% तो कम हो ही जाती है यहाँ से। अब क्या होता है, इसमें जो CO2 होता है उसको रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करने के बाद जो गैसेज बचती है मेथेनेशन में डालते हैं। इसमें आने से पहले जो गैसेज मेनली बचती हैं वो होती हैं H2N2 और CO2। CO2 तो यहाँ निकाल लेते हैं, बहुत कम मात्रा में बचता है, फिर भी इसको यहाँ से भी मेथेनेशन में से निकालते हैं कि नहीं निकालते। फिर इसको जो H2 बचता है मेनली और N2, यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलता है लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर रिएक्टर से, वहाँ से H2, N2 और CO2 मेनली गैसेज बचती। अब CO2 कुछ मात्रा में CO भी रहता है, लेकिन CO2 को यहाँ पर रिमूव करते हैं, फिर यहाँ से मेथेनेशन में केवल N2 और H2 की एक्सेस में मात्रा होती है, सब भेजते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। फिर इसको H2 अगर कम है तो एयर से डाल लेते हैं N2, फिर इसको भेजते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर में, इसको कंप्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तब यहाँ पे N2 और H2 रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो होता है NI, NI के प्रेजेंट में ये दोनों रिएक्ट करते हैं और NH3 बन जाता है। NH3 को स्फेरिकल टैंक में स्टोर कर लेते हैं, NH3 हमारा बन गया। ये है ब्लॉक डायग्राम का पूरा फिगर।